हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स कुकिंग। मैं हूं शिवानी और आज हम बनाएंगे स्टर फ्राइड नूडल्स। तो चलिए इस वेजिटेबल लोडेड हेल्दी वर्जन ऑफ नूडल्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आज होल व्हीट नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूं स्टर फ्राई बनाने के लिए। इस पैकेट के अंदर 6 नेस्ट्स होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं, तो मैं ऐसे वाले 3 इस्तेमाल करूंगी जिससे 2 लोग के लिए स्टर फ्राई नूडल्स बन जाएंगी। आप कोई और भी नूडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं आज यूज़ करूँगी ये बीन स्प्राउट्स। ये मूंग दाल से बने हुए स्प्राउट्स हैं, सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको ये ना मिल रहे हो या आप घर पे मूंग दाल से स्प्राउट्स ना बना पाएँ इस तरीके के लंबे, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ले लें। यहाँ मैंने गाजर, प्याज, लाल शिमला मिर्च और हरी वाली शिमला मिर्च को लंबा लंबा काट के इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने लिए हैं लाल मिर्च, हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियंस का वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट। मैं यहाँ चाइनीज़ गार्लिक का इस्तेमाल कर रही हूँ जो साइज़ में बड़े होते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 कलियाँ ली हैं। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। ज़्यादा महीन चॉप ना करें क्योंकि हम हाई फ्लेम पे कुकिंग करेंगे तो गार्लिक के जलने का डर है। और अगर आप छोटे वाले लहसुन का यूज़ कर रहे हैं तो 6 से 7 कलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लाइट और डार्क दोनों ही सोया सॉस चाहिए होंगे। लाइट सोया सॉस पतला होता है और सॉल्टी ज़्यादा होता है, और डार्क सोया सॉस ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अगर आपको लाइट सोया सॉस मिलने में मुश्किल हो रही हो तो जो भी सोया सॉस आपके पास रखा हो उसी को हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेंगे। नूडल्स को बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने पानी को उबाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। तो यहाँ मैंने जैसे पहले बोला था 3 नेस्ट्स का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम बॉइलिंग वाटर में ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। फिर पैकेट में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने लगातार स्टर करते हुए नूडल्स को 6 मिनट उबाला है और अब मैं इनका पानी स्ट्रेन कर रही हूँ। हम नूडल्स के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फैला के उसे ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक पैन को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप यहाँ कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होते ही सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी लहसुन और इसे तुरंत ही चला के पका लें। फिर हम इसमें डालना शुरू करेंगे सब्जियाँ। तो जो सब्ज़ियाँ हार्ड होती हैं और पकने में ज़्यादा समय लेती हैं वो हम सबसे पहले डालेंगे। तो यहाँ मैंने गाजर और प्याज को साथ ही डाल दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही स्प्रिंग अनियंस का ये सफ़ेद वाला पार्ट। अब मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई शिमला मिर्च। याद रहे कि हमारी कुकिंग बहुत ही हाई फ्लेम पे हो रही है, इसलिए सब्जियों को लगातार चलाते रहें। अब हम सब्जियों में डालेंगे बस 1 चुटकी नमक और साथ ही थोड़ी सी चीनी, जिससे कि हमारी वेजिटेबल्स का टेस्ट इन्हेंस हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1 चुटकी क्रश्ड ब्लैक पेपर। पर अगर आपको वाइट पेपर पाउडर मिलने में मुश्किल हो रही हो तो आप ब्लैक पेपर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर वाइट पेपर मैं आपको यूज़ करना रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसका बहुत ही अमेजिंग अर्थी टेस्ट होता है। अब नूडल्स को थोड़ा सा फ्लफ अप करके अपनी वेजिटेबल्स में डाल देंगे और इसे फैला के डालिए अच्छे तरीके से। अब मैं नूडल्स में डालूंगी 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और अप्रॉक्सीमेटली 2 टीस्पून लाइट सोया सॉस। नूडल्स और सोया सॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे में इवनली मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर और फाइनली हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप सेसमे ऑयल की। अगर आपको ये ना मिल रहा हो तो आप इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल के दाने भी डाल सकते हैं। बीन स्प्राउट को नूडल में हमेशा लास्ट में ही डालें ताकि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। अब मिला लें इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से। चाइनीज़ खाना बनाते वक्त अपनी तैयारी पूरी रखें और अपने इंग्रेडिएंट्स को आसपास ही रखें क्योंकि हम हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। साथ ही नमक डालते वक्त ये याद रखें कि आप जो भी सॉस इस्तेमाल करेंगे उसमें ऑलरेडी नमक होता है। गार्निश करेंगे हम इसे कुछ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और रेड चिलीज़ के साथ। तो ये लीजिए, हमारी स्टर फ्राई नूडल्स बन करके तैयार हैं और हमें इन्हें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है ताकि हमारे बीन स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स क्रंची रहें। सो इट्स टाइम टू सर्व नाउ। तो लग रही है ना ये स्टर फ्राई नूडल्स एकदम माउथ वाटरिंग।
हाई फ्लेम पे कुक करने की वजह से इसकी वेजिटेबल्स एकदम क्रंची रहती हैं और साथ ही ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। अगर आप भी वही सेम ओल्ड बोरिंग चाउमीन और हक्का नूडल खा के बोर हो गए हैं तो आपको मेरी इस रेसिपी को करना है ट्राई और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और करके रखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।